हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने बेसिक्स पढ़ा था डाटा स्ट्रक्चर का। उसकी जो बेसिक टर्मिनोलॉजी यूज होती है डाटा स्ट्रक्चर स्टडी के दौरान, आज हम लोग कुछ और डाटा स्ट्रक्चर एलिमेंट्स की बात करते हैं। तो देखिए, जैसे हम लोगों ने पिछले उसमें पढ़ा था कि रिकॉर्ड्स जो है कलेक्शन ऑफ फील्ड होता है। जो रिकॉर्ड्स हैं, रिकॉर्ड्स क्या थे? दे आर कलेक्शन ऑफ फील्ड्स, डिफरेंट टाइप फील्ड्स। ठीक है, अब इसमें जो रिकॉर्ड्स होते हैं वो दो तरह के होते हैं। एक होता है आपका फिक्स लेंथ रिकॉर्ड, एक होता है फिक्स्ड लेंथ रिकॉर्ड, और दूसरा होता है आपका वेरिएबल लेंथ रिकॉर्ड। वेरिएबल लेंथ रिकॉर्ड, तो देखिए फिक्स लेंथ रिकॉर्ड में क्या होता है, ऑल द रिकॉर्ड्स कंटेन द सेम डाटा आइटम्स विद द सेम अमाउंट ऑफ स्पेस असाइन टू ईच डेटा आइटम। तो फिक्स लेंथ रिकॉर्ड में क्या होता है कि जो भी रिकॉर्ड्स होते हैं, ऑल द रिकॉर्ड्स कंटेन द सेम डाटा आइटम्स, मतलब उसमें जो डेटा आइटम होते हैं वो सेम टाइप के होते हैं, और जो अमाउंट ऑफ स्पेस की जरूरत पड़ती है वो भी सेम रहती है। और जबकि वेरिएबल लेंथ रिकॉर्ड में क्या होता है कि फाइल रिकॉर्ड्स में कंटेंट डिफरेंट लेंथ। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें कि स्टूडेंट रिकॉर्ड यूजली है वेरिएबल लेंथ, सिंस डिफरेंट स्टूडेंट्स टेक डिफरेंट नंबर ऑफ कोर्सेज, तो वेरिएबल लेंथ रिकॉर्ड वो रिकॉर्ड होते हैं जिनकी लेंथ वेरी करती है। तो जैसे अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, स्टूडेंट रिकॉर्ड की हम लोग बात करें, स्टूडेंट रिकॉर्ड, तो स्टूडेंट रिकॉर्ड जो है वो आपका वेरिएबल लेंथ होगा। क्यों? क्योंकि हर स्टूडेंट का, हमने कहा कि मान लीजिए उसका नेम है, उसके कोर्सेज है, उसका एड्रेस है, वो सब उनकी लेंथ वेरी करेगी। ठीक है, किसी का नाम मान लीजिए दो दो वर्ड्स का है, किसी का तीन वर्ड्स का है, किसी का सिंगल वर्ड का है, ऐसे ही एड्रेस किसी का दो लाइनों का है, किसी का चार लाइनों का है, ये सारी चीजें। तो जो स्टूडेंट रिकॉर्ड होता है वो आपका वेरिएबल लेंथ रिकॉर्ड कहलाता है। ठीक है, और फिक्स लेंथ रिकॉर्ड में मान लीजिए हमने कहा कि कोई रिकॉर्ड बनाया हमने, उसमें हमने कहा कि से सपोज कीजिए कि स्टूडेंट का हमने केवल ये उसमें दो फील्ड ली हुई है, एक तो हमने उसका सेक्स लिया हुआ है, तो मान लीजिए आइदर मेल और फीमेल हो गया। ठीक है, और हमने कहा कि सपोज कीजिए उसने अगर 10+2 क्लियर करके आया है, हमने कहा कि वेदर ही हैज क्वालिफाइड 10+2 या वेदर ही हैज क्वालिफाइड इंटरमीडिएट और नॉट, तो यस या नो में आंसर देना है। ठीक है, तो मान लीजिए अब ये जो रिकॉर्ड है ये फिक्स लेंथ होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे या तो आंसर सिंगल लेटर में होगा, यहाँ पे आंसर सिंगल लेटर में होगा, यानी टोटल दो लेटर्स में इसकी लेंथ तो दो कैरेक्टर्स की होगी। तो इस तरह के जो रिकॉर्ड होते हैं वो फिक्स लेंथ रिकॉर्ड कहलाते हैं, और जो वेरी करते हैं लेंथ में वो वेरिएबल लेंथ रिकॉर्ड कहलाते हैं। क्लियर? अब डाटा स्ट्रक्चर की अगर हम लोग बात करते हैं कि डाटा स्ट्रक्चर को अगर हम कैसे क्लासिफाई करेंगे, कैसे उसको रिप्रेजेंट करेंगे, तो डाटा स्ट्रक्चर, ठीक है, तो डाटा इसमें क्या होता है कि डाटा कैन बी ऑर्गेनाइज इन मेनी डिफरेंट वेज। द लॉजिकल और मैथमेटिकल मॉडल ऑफ ए पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा इज कॉल्ड डाटा स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले बात आती है कि डाटा स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है। डाटा स्ट्रक्चर का मतलब होता है कि डेटा को ऑर्गेनाइज करना, डेटा को ऑर्गेनाइज करना किसी पर्टिकुलर लॉजिकल या मैथमेटिकल, आइदर लॉजिकल और मैथमेटिकल मॉडल में, दैट इज कॉल्ड मैथमेटिकल मॉडल, दैट इज कॉल्ड डेटा स्ट्रक्चर। द चॉइस ऑफ ए पर्टिकुलर डाटा मॉडल डिपेंड्स ऑन टू कंसिडरेशन। पहला क्या है कि इट मस्ट बी रिच इनफ इन स्ट्रक्चर टू मिरर द एक्चुअल रिलेशनशिप्स ऑफ द डाटा इन द रियल वर्ल्ड। तो डाटा को जो हम ऑर्गेनाइज करते हैं उसमें जनरली हम दो चीजें ध्यान रखते हैं। एक तो उसमें वो मॉडल इस तरह से हो कि डाटा को हम क्लियरली मैप कर सके, क्लियरली समझा सके रियल वर्ल्ड को, और दूसरा क्या है, द स्ट्रक्चर शुड बी सिंपल इनफ दैट वन कैन इफेक्टिवली प्रोसेस द डाटा व्हेन नेसेसरी।
एक तो डाटा स्ट्रक्चर सिंपल होना चाहिए ताकि उसकी प्रोसेसिंग आसान हो, और दूसरा क्या है कि वो इस तरह होना चाहिए कि हम डाटा के बारे में रियल वर्ल्ड को क्लियरली एक्सप्लेन कर सके। तो ये जो बेसिक नीड होती है या बेसिक रिक्वायरमेंट होती है किसी भी डाटा स्ट्रक्चर के मॉडल की। अब इसमें क्या होता है कि देखिए डिफरेंट डिफरेंट जो एलिमेंट्स यूज होते हैं डाटा स्ट्रक्चर में, वो जैसे पहला है आपका, पहला है एरे, ठीक है। अब एरे क्या होता है, सिंपली ये सिंपलेस्ट टाइप ऑफ डाटा स्ट्रक्चर है, एंड दिस इज द सिंपलेस्ट टाइप ऑफ डाटा स्ट्रक्चर, इज ए लीनियर और वन डायमेंशनल एरे, ठीक है। मतलब कि इट इज ए कलेक्शन ऑफ सेम साइज सेम टाइप ऑफ डेटा। अब जैसे मान लीजिए हमने कहा कि से सपोज कीजिए हमने इसको इस तरह डिफाइन किया, ए वन ए टू ए थ्री अप टू ए एन, ठीक है। तो ये आपका सिंगल डायमेंशनल या वन डायमेंशनल एरे हो गई। इस तरह भी रिप्रेजेंट करते हैं एरे को, ये एरे के एलिमेंट्स हो गए ए वन ए टू ए थ्री अप टू ए एन, ठीक। तो ये एन एलिमेंट्स की एरे हो गई। दूसरा तरीका क्या होता है कि हम इस तरह भी लिख सकते हैं इसको, ए वन ए टू ए थ्री और एंड सो ऑन। तो इसको हम मान लीजिए हमने कहा ए एन तक, तो दूसरा तरीका ये होता है रिप्रेजेंटेशन का। और तीसरा जो तरीका, ये तो पैरेंथेसिस नोटेशन हो गया, ठीक है। देखिए इसको क्या कहते हैं, ये कहलाता है सबस्क्रिप्ट नोटेशन, दिस इज कॉल्ड सबस्क्रिप्ट नोटेशन, ठीक। ये कहलाता है पैरेंथेसिस नोटेशन, ठीक। और जो तीसरा तरीका होता है वो कहलाता है ब्रैकेट नोटेशन। मतलब उसमें हम क्या करते हैं, उसमें हम एलिमेंट्स को इस तरह दिखाते हैं, ए ये स्क्वायर ब्रैकेट ब्रैकेट में वन, फिर हमने कहा टू, फिर थ्री, इस तरह। जब हम स्क्वायर ब्रैकेट का यूज करते हैं अप टू ए एन, तो इस तरह के एलिमेंट्स, इस तरह के नोटेशन को हम बोलते हैं ब्रैकेट नोटेशन, दिस इज कॉल्ड ब्रैकेट नोटेशन। तो इन तीनों में से किसी भी तरह से आप एरे को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये जो इंडिविजुअल हैं ये एरे के एलिमेंट्स हो गए, और ये सारे मिलके एक एरे बना रहे हैं, और सिंगल डायमेंशनल एरे है ये, ठीक है। तो एक तो ये हो गया आपका व्हाट इज एरे, तो एरे इज ए कलेक्शन ऑफ सेम टाइप ऑफ डेटा आइटम एंड दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड इन दीज थ्री वेज, ठीक है। अब इसमें एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि द पैरेंथेसिस नोटेशन एंड द ब्रैकेट नोटेशन आर फ्रिक्वेंटली यूज्ड व्हेन द एरे नेम कंसिस्ट ऑफ मोर देन वन लेटर, और व्हेन द एरे नेम अपीयर्स इन एल्गोरिथम। व्हेन यूजिंग दिस नोटेशन, ठीक है, वी विल यूज ऑर्डिनरी अपर केस लेटर फॉर द नेम एंड सब्सक्रिप्ट एज इंडिकेटेड इन द एग्जाम्पल, ठीक है। तो इसमें आपका पैरेंथेसिस नोटेशन में और ब्रैकेट नोटेशन में जनरली हम अपर केस लेटर या कैपिटल लेटर्स का यूज करते हैं, ठीक है। और सबस्क्रिप्ट नोटेशन में जनरली हम स्मॉल लेटर्स का यूज करते हैं, ठीक। तो ये एक जनरल कन्वेंशन है, ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, लेकिन एक जनरल कन्वेंशन है जो फॉलो किया जाता है एरे को रिप्रेजेंट करने के लिए। अब जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए हमने कहा एक एरे हमने बनाया किस चीज़ का, स्टूडेंट का, ठीक है। तो मान लीजिए ये हो गई एरे, ठीक, इसका हमने नाम रख दिया स्टूडेंट, ठीक है। अब इसके कई एलिमेंट है इसके अंदर, मान लीजिए से ये एलिमेंट्स हैं, ठीक। तो ये स्टूडेंट वन टू थ्री फोर फाइव, ठीक। अब इसके अंदर आपने कोई भी नाम रख दिया, मान लीजिए आपने रख दिया से स्टूडेंट वन हो गया रमेश, ठीक है। फिर आपने ये रख दिया आकाश, ठीक है। फिर आपने रख दिया से राजू, फिर आपने रख दिया से पंकज, ठीक। फिर आपने रख दिया रवि। तो ये एक अरे हो गई स्टूडेंट के नाम से, इसमें ये पांच एलिमेंट है, ठीक है। ये तो ये जो सिंगल डायमेंशनल एरे होती है ये कहलाती है लीनियर एरे, लीनियर एरे, ठीक है, या वन डायमेंशनल एरे। वन डायमेंशनल एरे का मतलब ये होता है कि आपको उसके किसी एलिमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए वन डायमेंशनल एरे, केवल आपको एक
एलिमेंट की जरूरत पड़ेगी। जैसे मान लीजिए राजू को आपको रिप्रेजेंट करना है तो आप इसको लिख देंगे स्टूडेंट, और आपने ऐसा लिखा मान लीजिए 3, इसका मतलब कि राजू की बात कर रहे हैं आप। आपने लिख दिया से स्टूडेंट 5, इसका मतलब आप रवि की बात कर रहे हैं। ठीक, तो इसलिए इसको वन डायमेंशनल एरे कहते हैं। टू डायमेंशनल एरे की जो बात होती है, ए टू डायमेंशनल एरे इज ए कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा एलिमेंट्स वेयर ईच एलिमेंट इज रेफर्ड बाई टू सबस्क्रिप्ट। तो जो दो डायमेंशनल एरे होती है उसमें टू डायमेंशनल एरे, ये अभी आगे जब एरे का चैप्टर आपको पढ़ाएंगे तब डिटेल में जाएंगे हम लोग। इसमें आपको किसी इसको एलिमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए आपको दो उसकी जरूरत पड़ती है, दो सबस्क्रिप्ट की। अच्छा चलिए हम इसको आपको बता ही देते हैं। फॉर एग्जांपल, तो फॉर एग्जांपल की हम लोग बात करेंगे तो मान लीजिए हमने एक टेबल बनाई, सपोज कीजिए इसको आप समझ लीजिए, मान लीजिए ये टेबल हमने बनाया, ठीक है। अब इस टेबल में क्या है कि ये हमने बनाया, ठीक, इधर तो हमने लिख दिया डिपार्टमेंट, ये हो गया डिपार्टमेंट, तो मान लीजिए 1, 2, 3 जो भी है, और यहां हमने लिख दिया स्टोर, ठीक, तो स्टोर हो गया 1, 2, 3 अप टू सपोज कीजिए से 30, 30 दुकानों का ये 1, 2, 3 अप टू 30 है। डिपार्टमेंट हमने नंबर दे दिया सपोज कीजिए 1, 2, 3 इस तरह। अब इसके अंदर वैल्यूज मान लीजिए डिपार्टमेंट 1 और स्टोर, पहले डिपार्टमेंट 1 लिया हमने, तो डिपार्टमेंट 1 में स्टोर 1 में मान लीजिए 10 है, 2 में 5 है, 3 में 7 है, ऐसी हमने कहा यहाँ 9 है, 2 में फिर कोई रैंडम वो भर दीजिए मान लीजिए 4 है, 6 है, 2 है और से 28 है। थर्ड वाले में हमने कहा यहाँ पे 5 है, 15 है, 37 है अप टू 50 है। अब इसमें क्या होगा, मान लीजिए आपने कहा कि इस, और इसका नाम हमने रख दिया सपोज कीजिए शॉप, इस एरे का नाम हम रखा शॉप। अब हमें अगर इस एलिमेंट को पॉइंट आउट करना है तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, आपको लिखना पड़ेगा शॉप, ठीक, फिर आप लिखेंगे इसमें डिपार्टमेंट कौन सा हुआ 3rd, तो आप लिखेंगे 3 कॉमा ये स्टोर तो हो गया 3rd स्टोर, और डिपार्टमेंट कौन सा 2nd, तो शॉप कॉमा 3, 2, इससे आप तब ये आएगा 2, ठीक। तो देखिए आपको दो सबस्क्रिप्ट की जरूरत पड़ रही है ना, तो इसलिए ये टू डायमेंशन ले रहे हैं। मान लीजिए आपने कहा कि इस 9 को रिप्रेजेंट करना है, तो 9 को रिप्रेजेंट करेंगे तो आप लिखेंगे शॉप, अब स्टोर कौन सा 30th, और डिपार्टमेंट कौन सा 1, तब आप ये आएगा आपका 9। तो इस तरह ये हो गया आपका टू डायमेंशनल एरे। तो अब इस एरे, जब टू डायमेंशनल एरे की आप बात करेंगे तो इसकी एरे की साइज भी आएगी, ठीक। तो साइज इसकी कितनी हो गई, 30, आप देख रहे हैं 30 रो है और कितने कॉलम है, 3 कॉलम, तो ये एरे हो गई 30x3 की, क्लियर। तो इस तरह से टू डायमेंशनल एरे को आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब उसके बाद नेक्स्ट जो एलिमेंट यूज होता है डेटा स्ट्रक्चर में, वो यूज होता है लिंक लिस्ट, ठीक है। अब लिंक लिस्ट के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में करेंगे, नहीं तो अभी आप लोग कंफ्यूज भी हो जाएंगे और वीडियो लेंथ काफी ज्यादा हो जाएगी। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अगर कोई डाउट या कंफ्यूजन है तो प्लीज कमेंट लाइन में कमेंट कीजिए, और अगर वीडियो कॉन्टेंट पसंद आ रहा है तो वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन कर दीजिए। थैंक यू।